मेरा नाम है विकास जेरू, मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ और मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट गेजिंग से बिलोंग करता हूँ। फुटबॉल में अपना गांव से स्टार्ट किया था, जो भी हम लोग का विलेजेस है वहाँ का भाई लोग से बहुत इंस्पायर होके अपना गांव से एकदम नेचुरल एकदम रॉ होके हम लोग गांव-गांव में खेलते खेलते वहाँ से एक सिक्किम में सिलेक्शन आया था। तो वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, तो नामची स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से मेरा फुटबॉल करियर स्टार्ट हुआ है। रोनाल्डो तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो मैं रोनाल्डो को बहुत ही वो करता हूँ और स्पेशली सुनील छेत्री को मैं बहुत ही वो करता हूँ। सिक्किम में हर एक जगह आपको फेवरेट मिलेगा, आपको एक पर्टिकुलर नाम बोलने से नहीं होगा, लेकिन सिक्किम में आप जहाँ भी जाओ यहाँ के लोगों से मिलो, आप विलेजेस में जाओ बहुत प्यारे लोग मिलते हैं। और सिक्किम एक ही जगह पे स्पेसिफिक नहीं है कि ये जगह प्यारी है, तो सिक्किम में हर जगह बहुत ही अच्छा है। मेरा फेवरेट फूड है, मैं सिक्किमिस फूड एकदम ऑर्गेनिक खाना पसंद करता हूँ। क्लब बोलने से मैं इंडिया को बहुत ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल इंडिया के लिए भी खेला भी है, तो मैं इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले 2008 में ओएनजीसी मुंबई में ज्वाइन किया था, 3 साल वहाँ खेला, फिर मैं शिलांग गया था 1 साल, वहाँ फिर रांगड़ा जीत के उसमें खेला हूँ, फिर उसके बाद मैं मुंबई टाइगर्स में 2 साल फिर खेला हूँ, उसके बाद फिर मैं सलगांवकर गोवा में खेला हूँ 2 साल, फिर उसके बाद मैं ईस्ट बंगाल में खेला हूँ 2 साल, उसके बाद फिर पुणे सिटी, फिर उसके बाद मैं जमशेदपुर ISL में गया हूँ, फिर ATK कोलकाता में हूँ फिर था, फिर उसके बाद जमशेदपुर टाटा में 3 साल था, उसके बाद फिर ईस्ट बंगाल में 2 साल था। बहुत लंबी जर्नी है। इनके लिए हमेशा मैं हर एक इंटरव्यू में बोलता हूँ कि हम लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, बस अपने डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग कंप्लेन करना बहुत ही वो करता है कि हर एक जगह में नॉट सिक्किम में, हाँ इंडिया में हम लोग ये करते हैं कि ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है। अभी इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि अपने आप को और फैमिलीज को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम भी फैमिली की वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ का यंगस्टर्स अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन और अपने आप को हर एवरीडे मोटिवेट रहना है कि मैंने क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही बोलना चाहता हूँ कि आप रिजल्ट पे ध्यान मत दो, आप मेहनत करिए, आपको अपने आप को रिजल्ट मिल जाएगा। खेल देंगे।